हेलो दोस्तों, वेलकम एंड खम्मा घणी। दोस्तों आज हम आपसे एक सवाल पूछने वाले हैं कि जब हम खुद जोधपुर घूमते हैं या बाहर से जोधपुर कोई विजिट करने आता है तो ऐसी कौन सी नॉर्मल एक्टिविटीज है जो वो करते हैं। ये तो सिंपल सा हुआ कि भाई हम जोधपुर की गलियों में घूमेंगे, ब्लू सिटी की फोटोज खींचेंगे, दाल बाटी चूरमा खाएंगे और सो जाएंगे, है ना। नहीं, जोधपुर के अंदर और भी ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज है, इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज है जो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो दोस्तों जोधपुर सर्च आज आपको बताने वाला है 5 ऐसी एडवेंचर एक्टिविटीज जो हम जोधपुर में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें और क्या करें। एडवेंचर एक्टिविटी नंबर 1, जिप लाइनिंग। दोस्तों अगर आप लोग जोधपुर के अंदर जिप लाइनिंग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो फ्लाइंग फॉक्स इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू टू बी। दोस्तों फ्लाइंग फॉक्स एक कंपनी है जो ये जिप लाइनिंग एडवेंचर एक्टिविटी कंडक्ट करवाती है। ये मेहरानगढ़ के अंदर चोखेलाव बाग के अंदर लोकेटेड है और दोस्तों जो भी मेहरानगढ़ फोर्ट विजिट करने आता है और अगर वो एडवेंचर एंथुजियास्ट है तो वो एक बार जिप लाइनिंग एडवेंचर जरूर एक्सपीरियंस करता है। दोस्तों बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है जब मेहरानगढ़ के आसपास की पहाड़ियों के ऊपर से होकर हम गुजरते हैं एंड प्लस वहां से जोधपुर का बहुत ही अच्छा व्यू एंजॉय करने को मिलता है। दोस्तों तो दोस्तों अगर आप भी जिप लाइनिंग एडवेंचर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप जो है फ्लाइंग फॉक्स से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनके नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, इसके लिए आप गूगल भी जा सकते हैं, वहां से आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज ट्राई दिस। एडवेंचर नंबर 2, पैराग्लाइडिंग। दोस्तों अगर आप जोधपुर के अंदर पैराग्लाइडिंग का थ्रिलिंग एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो ब्लू सिटी हैज इट फॉर यू। स्काई वेंचर्स नाम से कंपनी है जो ये एडवेंचर एक्टिविटी कंडक्ट करवाती है और बिलीव मी दोस्तों बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है। अगर एक बार आप ये एक्टिविटी एक्सपीरियंस करेंगे आप जिंदगी भर नहीं भूलने वाले हैं। 800 से 1100 फीट की ऊंचाई के ऊपर हमको उड़ाया जाता है विद सेफ्टी मेजर्स। दोस्तों अगर आप लोग पैराग्लाइडिंग करने में इंटरेस्टेड हैं और इस कंपनी से कॉन्टैक्ट करने में इंटरेस्टेड हैं तो इनके नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप सीधे गूगल पर जाकर भी इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज आप इसे भी एंजॉय कीजिए। एडवेंचर एक्टिविटी नंबर 3, ट्रैकिंग। दोस्तों जब एडवेंचर एक्टिविटीज की बात आती है तो ट्रैकिंग हैज अ स्पेशल प्लेस इन इट। और हम काफी लकी हैं दोस्तों कि जोधपुर के अंदर इतना अर्बनाइजेशन होने के बावजूद भी कुछ, मेरा मतलब कि बहुत सारी ऐसी जगह बच चुकी हैं जहां पर हम लोग ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं। ट्रैक नंबर 1, रावटी ट्रैक, धोबी कुंड ट्रैक या फिर फतेश्वर महादेव मंदिर ट्रैक। दोस्तों ये ट्रैकिंग लोकेशन जो है ये ट्रैकर्स की सबसे ज़्यादा फेवरेट डेस्टिनेशन है जोधपुर के अंदर। और इसके पीछे रीज़न ये है कि एक तो ये यहाँ की सबसे बड़ी ट्रैक है, दूसरी यहाँ पर कोई फ्लैट सरफेस नहीं है, बहुत ही क्या कह सकते हैं ऊंची और नीची पहाड़ियाँ हैं जिस वजह से ट्रैकर्स यहाँ पर आना पसंद करते हैं। प्लस यहाँ पर नाइट कैंप्स भी जो हैं ट्रैकर्स सबसे ज़्यादा करते हैं। किला रोड के पास ये जगह लोकेटेड है। सो दोस्तों प्लीज़ ट्राई दिस। ट्रैक नंबर 2, सिद्धनाथ ट्रैक। दोस्तों अगेन ये ट्रैकर्स और जॉगर्स की और रनर्स की सबसे फेवरेट लोकेशन है क्योंकि ये जगह जो है कायलाना एरिया में ही लोकेटेड है जिस वजह से ये काफ़ी खूबसूरत है और ये हाई ऑल्टीट्यूड पर भी लोकेटेड है जिस वजह से यहाँ से जोधपुर शहर का बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है। सो दोस्तों प्लीज ट्राई दिस ट्रैक ऑल्सो। एडवेंचर एक्टिविटी नंबर 4, रैपलिंग एंड हाइकिंग। दोस्तों जोधपुर के अंदर ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर आप ट्रैकिंग के साथ साथ रैपलिंग और हाइकिंग भी कर सकते हैं, तो वो आज हम आपको बताने वाले हैं। पहली ऐसी जगह है भीमबड़क। अगेन दोस्तों ये ट्रैकर्स की सबसे फेवरेट लोकेशन है और इसका भी रीज़न यही है कि ये कायलाना के पास लोकेटेड है जिस वजह से ये काफ़ी खूबसूरत है, हाई ऑल्टीट्यूड पर है और इसकी सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर कोई फ्लैट सर्फेस नहीं है, बहुत ऊँची और नीची पहाड़ियाँ हैं जिस वजह से ये जगह आपको रैपलिंग और हाइकिंग करने का भी मौका देती है। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर पहले से ही क्या कहते हैं खूंटे लगे हुए होंगे या फिर वायर्स लगे होंगे क्योंकि यहाँ के जो ट्रैकर्स होते हैं वो यहाँ पर रैपलिंग और हाइकिंग करते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग भी करते हैं। तो दोस्तों एक बार आप इस जगह पर जरूर जाइएगा और ट्रैकिंग, हाइकिंग और रैपलिंग का मजा लीजिए। सेकेंड इज रावटी ट्रैक। अगेन दोस्तों ये जगह ट्रैकर्स की, जैसा मैंने आपको बताया था, सबसे फेवरेट लोकेशन है और इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर भी कोई फ्लैट सर्फेस नहीं है और ये हिली एरिया है तो ये ट्रैकर्स के लिए एक तरीके से जन्नत की तरह हो जाता है। तो यहाँ पर भी जो है ट्रैकर्स रैपलिंग भी करते हैं, हाइकिंग भी करते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग भी करते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ ट्राई दीज प्लेसेस। और दोस्तों अगर आप जोधपुर के अंदर ट्रैकिंग करने में इंटरेस्टेड हैं और अगर आप ऐसी बहुत सारी जगहों के बारे में जानना चाहते हैं
तो रैम्बल ऑब्सेशन करके एक इंस्टाग्राम पेज है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, आप उनको डीएम कर सकते हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जोधपुर के अंदर ये एक ग्रुप है जो फ्रीक्वेंटली ट्रैकिंग कंडक्ट करवाता है। अगर आप इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो हमने इनके नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। एडवेंचर एक्टिविटी नंबर 5 साइकिलिंग। दोस्तों अगर आप लोग जोधपुर की इनसाइड सिटी या फिर कह सकते हैं ओल्ड सिटी, वहाँ की गलियाँ, वहाँ की घाटियाँ, वहाँ के पुराने मंदिर, पुराने घर, वहाँ की मिठाई की दुकानें, ये सब एक साइकिल टूर के साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो जोधपुर आपको मौका दे रहा है। दोस्तों द जोधपुर साइकिलिंग टूर्स नाम से अगेन ये कंपनी है जो ये पूरा टूर करवाती है और इससे आपको जोधपुर को मतलब बहुत ही करीब से जानने का मौका मिलेगा, वहाँ के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ आपको साइकिल पर एक वर्कआउट भी मिल जाएगा। ये जोधपुर के इनसाइड सिटी में ही साइकिलिंग नहीं करवाती, ये जोधपुर के आउटस्कर्ट्स में भी जो है साइकिलिंग करवाती है, जिससे कि आपको जोधपुर के फील्ड्स या फिर कह सकते हैं कि खेत और वहाँ के हाईवेज पर भी जो है एडवेंचर करने का मौका मिलेगा। अगर आप ये साइकिलिंग टूर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उनके नंबर हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखे हैं, सो फ्रेंड्स प्लीज़ उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए और जोधपुर का साइकिलिंग टूर जो है वो एक्सपीरियंस कीजिए। तो ये थी 5 ऐसी एडवेंचर एक्टिविटीज जो हम जोधपुर के अंदर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है इनके अलावा दूसरी और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हैं, हमको डीएम कर सकते हैं। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप जोधपुर सर्च को फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें प्यार देते रहे और हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय और धमाका।